हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आकेले 47। और हमेशा की तरह एक बात वाली, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब बटन के पास जो घंटी का निशान होता है उसे जरूर दबाइए नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। और फ्रेंड्स, जो मैं गेम खेल रही हूँ ग्रैनी, इसका मैंने कंप्लीट कर लिया ये गेम। इसका जो नया जो न्यू वर्जन था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। 1.5 इसका नाम था, जिससे हम गाड़ी के जरिए हम एग्जिट करते हैं। लेकिन मुझे बहुत पहले से कमेंट आ रहे थे कि मैं इसका प्रैक्टिस मोड भी खेलूं, तो फ्रेंड्स आज वही ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस प्ले करते हैं इसके। देखिए, एक्स्ट्रा लॉक्स अगर नए भी लगा देते हैं तो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉक लग जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमें देखना है प्रैक्टिस, एकदम नीचे है, हम जाते हैं प्रैक्टिस में। यू कैन एक्सप्लोर द हाउस बट नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम डेंजर्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रैनी तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं घर को, लेकिन ये एकदम ही फ्री नहीं है, डेंजर से फ्री नहीं, कुछ ना कुछ तो डेंजर होगा। पता नहीं लोग ने इसमें अब क्या डेंजर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मुझे एक हमारे एक व्यूअर दोस्त ने हमें कहा था कि भाई अगर आपके इसमें म्यूज़िक की वजह से आपको बहुत दिक्कत होती है, म्यूज़िक मैं हटा दूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई म्यूज़िक हटा के क्या होता है, तो ये भी ट्राई कर लेते इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू गेट ऑफ दैर यू ओनली हैव 5 days एंड माइंड। देखिए इसमें तो वही लिख के आ रहा है, लेकिन वो है नहीं फिर भी वही लिख के आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, इसकी लोडिंग हमें पता है होती रहती है, उसके बाद वो उठेगा या वहाँ देखेगा और फिर भागेगा, यानी कि हम लोग उसे भगाएंगे, वो खुद तो भागने वाला है नहीं। तो भाई अभी इसका सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। हाँ भाई, इसमें कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो रहा ऐसे। हाँ ये देखिए, डे वन आ गया है हमारे पास। अब ये उठेगा और बोलेगा मैं कहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ आप आसमान ज़मीन पाताल देखेगा। अब देखते हैं इसके अंदर अब क्या होता है फ्रेंड्स, और हम अभी बढ़ते हैं आगे। बढ़िए बढ़िए, वैसे भी अभी इसमें हमें भागने की तो ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे भाई ये देखो मीट है। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बताना चाहती थी, वो मैं बता रही हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहती थी कि मुझे बहुत सारे कमेंट ये भी मिले थे कि मैं सेकंड जो बेडरूम है उसमें जाऊँ, वहाँ पे एक सीक्रेट रूम है, उसको जाके मैं देखूँ उसमें सीक्रेट क्या होता है, यानी कि वहीं पे एक पेंटिंग उसे हटाऊँ और मुझे उस सीक्रेट रूम मिल जाएगा, वहाँ पर जो अलमारी है उसके ज़रिए, और मुझे एक बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हम पहले वो बुक ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम वो रूम खोलेंगे। तो अब चलते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। और मैंने ये भी सोचा है कि मैंने जैसे उसका जो न्यू वर्जन जो था 1.5, उसमें हमने किया था गैरेज नहीं यार, कार से हम लोग एग्जिट हो गए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इससे करूँ एग्जिट दरवाजे से, क्योंकि मैंने तब देखा भी नहीं था कि दरवाजे पर लगता क्या है। तो हम चलेंगे वहाँ पर और देखेंगे फ्रेंड्स। और अभी से मेरी ज़ुबान टेढ़ी हो रही है, इसे नहीं उठाते हैं, हम देखते जाते हैं पे क्या है। देखिए यहाँ पे हमें ये येल्लो वाला येल्लो चक्री मिल गई। और नीचे जाए कहाँ जाए, मेरे ख्याल से मैं इस रूम में ही देख लेती हूँ कहीं पे मुझे बुक मिलती है क्या नहीं। वैसे इसमें बताया गया है कि भाई आपको कोई डेंजर से पूरी तरह से आप खाली नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डेंजर होगा। पता नहीं लोग ने क्या डेंजर रखा, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये सब गिरा देते हैं यार, वैसे भी अभी वो तो आएगी नहीं। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये अलमारी तब मैंने नोटिस किया था, और शायद ये सारी बुक्स है, उसमें से कोई बुक्स हो सकती है और ये उठा सकता है, यहाँ पे नहीं उठा रहा है। और इसमें तो सिर्फ यही एक पेंटिंग है, कोई और पेंटिंग यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, मैं पहले बुक ही देख लेती हूँ, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई इसे बंद कर देते हैं भाई ऐसी, और ये क्या है, हाँ भाई इंजन पार्ट वगैरह की मैं ज़रूरत नहीं हुआ, मैं सोच रही हूँ कि क्या सोच रही हूँ मैं, हाँ यही सोच रही हूँ कि मुझे चाहिए, मैं जा रही हूँ एग्ज़िट करूँगी मैं इससे किससे कुछ भी इससे बोल के यार दरवाजे से करूँगी। भाई दरवाजे पे क्या क्या लगता है, हैमर लगेगा हमको, हमें लगेगी मास्टर की, हमें लगेगा प्लायर्स, कटिंग प्लायर्स, क्यों यार ये क्या है या आई विल बी बैक सून। अच्छा आई विल बी बैक सून, यानी कि ये ग्रैनी कह रही होगी हमें कि भाई मैं जल्दी आऊँगी, कहीं पे मैं छोड़ के गई, तब तक हमें यहाँ से निकलना है। भाई हमें ब्लू की ज़रूरत पड़ेगी, हमें लगेगा कोड और हमें कुछ भी नहीं यहाँ पे। और अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं देखते बुक पहले, भाई यार मुझे पहले बुक दिला दो, तुम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं यार, ऐसी क्या बात है, ये क्या हो क्या हो क्या हो। हट, मुझे ये शॉटगन का मुझे मैंने अभी तक कभी ट्राई नहीं किया है। वैसे भी मुझे उसके सारे पार्ट्स वगैरह जमा करने, इसलिए देखिए हैंडल मिल गया हमें यहाँ पे। मुझे पहले बुक चाहिए, मैं वो बुक ही देखना चाहूँगी भाई। और इसे बंद कर दो यार, और इसे भी खोल दो, अब अटक जाएगा तू, बस इसे बस अटकने की बहुत ही शौक चढ़ा हुआ रहता है। हाँ स्पेशल की नहीं, मुझे स्पेशल की नहीं चाहिए।
क्योंकि क्या पता शायद उसकी कोई ज़रूरत भी पड़ जाए। भाई इन लोग ने कहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं रखा भाई, अलमारियों में रख दो ना, तुम लोग भूख होगा ऐसे क्या करते हो यार। ये दरवाज़ा के हम लोग खोल सकते हैं? देखिए फिर भी हम लोग ये दरवाज़ा नहीं खोल सकते भाई, ऐसी क्या बात है। और भाई भूख कौन से ज़माने में कहाँ पर मिलेगी हम लोग को, भाई ये देख लेते हैं जगह। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमेशा, यहाँ पे कुछ नहीं होता है क्या, ऐसी बकवास है भाई। अलमारियों में तो बुक रख दो, ऐसा क्या करते हो तुम लोग। और देखिए यहाँ पे खोल लेते हैं भाई, ये बहुत ही क्या है यार। देखिए प्ले हाउस की वगैरह हमें मिल गई है, ये क्या कोड वोड मिल गया भाई, कोड तो लगा ही देते हैं क्योंकि प्ले हाउस की भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा उसका भाई, कर लो भाई। ये बटन, ये जो आवाज़ है उससे कुछ होगा क्या, इसे फेंक दो। प्ले हाउस की से कुछ होगा क्या, मीन्स उसमें जाके हम लोग वो सब लगाएंगे, शायद वहाँ से कुछ मिलेगा क्या, वहाँ पे हमें बुक मिलेगी क्या, ऐसा रहता है क्या। मैं नीचे जाके देखूँ क्या, अरे भाई वैसे बहुत ही सुना सुना है उसके बिना, लेकिन कोई डर नहीं है। और मुझे यहाँ पे भी कहा गया था कि भाई अगर पेंटिंग के पीसेस आप लोग यहाँ पे लगा देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा दिन मिलता है, लेकिन फ़िलहाल उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा दिन से होगा क्या आप भाई, कहीं तो हमें बुक दिला दो यार, ऐसे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग भाई। यहाँ पे भी बुक नहीं, इन लोग ने रखा शायद इसके अंदर, इसके अंदर कोई बुक नज़र तो नहीं आ रही है। लोग गाड़ी के पीछे वगैरह तो बुक नहीं रखी होगी, इतना आसान करके रखा होगा इन लोग ने। अगर हम सोच रहे हैं कि भाई हम लोग ये प्रैक्टिस मोड खेलते हैं तो इन लोग इतना ईजी बना के रखेंगे क्या। वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आएगी, लेकिन कह रही कि डेंजर से खाली नहीं है भाई, आप खतरे से खाली बात नहीं है, आपको फिर भी खतरा, उसका क्या मतलब है। चलो यार, अरे चल यार तू, ये देखिए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार। ये यार यहाँ से भी निकलने का कोई इसका जो आसान तरीका होता है, ये कहीं से रेंग जल्दी जल्दी रेंग पता तो बहुत ही अच्छा होता है, इसमें मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है जब यहाँ से ये रेंगते रहता है। ग्रैनी नहीं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें रुक रुक के और खेलना पड़ता है कि भाई यहाँ से आ जाओ वहाँ से। देखिए गैसोलीन वगैरह पे जो चाहिए वो चीज़ तो तुम लोग दे नहीं रहे हो, गैसोलीन वैसोलिन मुझे मत बताओ। यहाँ पे शायद बुक है, नहीं है, ये क्या है फिर, का खामा का चीज़ें रखी हुई भाई, क्या बकवास है। जो चीज़ मुझे चाहिए वो तो तुम लोग मुझे दे नहीं रही हो, खामा खा की चीज़ें लेके मैं यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। या फिर मुझे ये बुक ही बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली है। चलो यार, वैसे दो चीज़ें मैं इसमें करने वाली हूँ कि मुझे एक तो चाहिए, क्या चाहिए, एक तो मैं ये कोशिश करने वाली हूँ कि इसे फेंक दो यार। हाँ, एक तो मैं ये कोशिश करने वाली, मैं बार बार वहीं बोल रही हूँ, और वो मैं सीक्रेट देखूँ और इसकी एग्जिट मैं करूँ मेन डोर से। और एक ऊपर वाली चीज़ रही कि भाई ऊपर चले जाते हैं हम लोग पहले। चलो यार, अपने कमरे में कुछ हो सकता है क्या, ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है नहीं, हो भी सकता है। लीव दिस प्लेस होगा शायद, हाउस है। पहले टाइम में मैंने ये गलत पढ़ दिया था, लीव की जगह मैंने कुछ और ही पढ़ दिया था। यहाँ पे नो भाई, कहाँ पे तुम लोग बुक वुक रखते हो, ऐसे रखते हो क्या, कोई बुक वुक कहाँ, तो ऐसे थोड़ी ना करते भाई, मुझे बुक चाहिए, तुम लोग ऐसा करोगे तो। फ्रेंड्स चलते हैं ऊपर की तरफ, और हमें कोई मतलब की चीज़ तो नहीं मिल रही है, यहाँ पर चले जाते हैं। इन लोग ज़रूर हमें अंदर तक ये करने लगे, यहाँ पर कुछ चमक रहा है, वहाँ पर क्या है यार, बुक है क्या, वो पता नहीं वो क्या है, क्या यहाँ पर हमारा जाना ज़रूरी है। हैमर वमर भी तो इन लोग ने दिया नहीं है, तो कहाँ से जाएंगे हम लोग। अरे हट ना यार, तो क्या उसको मीट वीट खिलाते बैठेंगे हम लोग, ऐसा बकवास मत करो। आसान है फिर भी आसान नहीं है, तुम लोग ने आसान तो बनाया है नहीं, और मैं यहाँ पे क्यों घूम रही हूँ। और कोई चीज़ें गिरती नहीं, भूख है नो, अरे यार मुझे लगा वो बुक है क्या, चीज़ें गिर गई यहाँ से, अरे यार मुझे लगा कोई चीज़ें गिरती नहीं, लेकिन ये गिर गई है। और शायद मैंने कोई जगह देखना मैंने छोड़ दिया है, शायद मैंने कोई चीज़ें देखी नहीं, कोई जगह नहीं देखी। अरे यार बुक दिला दो, ये क्या है भाई, पेंटिंग के पीसेस मुझे नहीं चाहिए, बुक मिलना इतना मुश्किल क्यों है, ऐसा क्या बकवास बना के रखा है तुम लोगों ने। बस एक चीज़ हम लोग ने यहाँ पे खोल के रखी हुई है क्या यार, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे कोई आसानी से चीज़ मिल भी नहीं है। अरे भाई प्रैक्टिस मोड है तो भाई आसानी से कोई चीज़ मिलेगी नहीं क्या, हमें ऐसे क्या बकवास करोगे तुम लोग। अरे यार उससे बंद कर दो भाई, अभी ये सब तो हमें मगजमारी करनी ही पड़ेगी, इसमें भी ले लो, अभी तो लेगा नहीं क्या 50 घंटे। मैंने सोचा था भाई प्रैक्टिस मोड है, ग्रैनी नहीं होगी तो भाई हम लोग आसानी से कर पाएंगे, लेकिन नहीं, लोग तो पूरी जहान हमें पूरे पछाड़ने लगवाएंगे, ऐसे नहीं कि आसानी से कर दें हम लोग अपना काम। अभी यहाँ से हम लोग सोना निकालेंगे। चलो यार भाई, ये 50 घंटे निकालते रहता सोना, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। अरे कितने बार, अरे यार देखिए यहाँ पे हमें रेड ये मिल गया है, हम इसे ले लेते हैं, और मेरे ख्याल से प्ले हाउस में ही हमें कुछ मिलेगा, इसलिए तो इतना दे रहा है वो।
वो अभी भी हाथ नहीं दे रहा है। चलो यार, वैसे भी बिना मगजमारी के थोड़ी ना काम होने वाला है मेरा, कभी काम बिना मगजमारी के होता है थोड़ी। और हमें पता है दूसरी चीज़ कहाँ पे वहाँ पे भाग के जाते हैं, चलो यार अच्छी बात है भाई, क्या बोलते हैं उसको, ग्रैनी नहीं है ये, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने सोचा था आसान हो जाएगा, लेकिन उन्होंने आसान नहीं रखा हुआ है। और अभी मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ हमें मिल जाए, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे तो हमेशा चाबी मिलती है भाई, चाबी से क्या होगा, हमेशा चाबी मिल जाती है और कुछ नहीं मिलता यहाँ पे ज़्यादातर। तो चाबी कोई ब्लू की वगैरह हो सकती है, ज़्यादातर ब्लू नहीं भाई, ये तो मास्टर की है, इसका अभी फ़िलहाल तो कुछ काम नहीं है। वैसे भी यहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं खेलूँ, लेकिन इन लोग तो मुझे बस पागल बनाने के लिए, लोग के पास और कुछ है नहीं ना, मैं ही मिलती हूँ उन लोग को, फेंक दो यहाँ पे क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते भाई। भूख ढूंढने में वैसे भी मुझे पता नहीं कि सालों लग जाएंगे अभी। आ हाँ, मुझे एक बात चीज़ भूल रही हूँ, यहाँ पे भी तो जाना है, ये जगह मैंने देखी ही नहीं, तो क्या मैं पागल की तरह घूम रही हूँ। तो खुद के ही याददाश्त गुम हो जाए तो इंसान ऐसे ही करता है, खुद ही मुझे याद नहीं कि ये एक जगह रहेगी यहाँ पे देखने के लिए और मैं ऐसे मर रही हूँ वहाँ पे। भाई ये सब जगहें हैं, और चलो यार कहीं तो मिल जा मुझे, कहीं नहीं ऐसा मत करो यार। ओहो देखिए मिल गई, आखिर मैं यहाँ पे पहले आती तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं भूल गई ये जगह देखने के लिए। अभी हाँ भाई ये अड़थड़े बस तेरे, तू थोड़ी ना इससे प्यार होने वाला, वैसे भी तो है ही, आसानी से तो तेरा काम होने वाला है नहीं। और भाई ये देखिए यहाँ पे कहाँ गया मुझे, ओह चलो यार ये देखिए यहाँ पे ये देखते हैं अब क्या होता है। ओहो अरे यार ये छोटा सा ही रूम है, मुझे लगा कि कुछ होगा। यार ये पेंटिंग्स, यार इसका कोई मतलब है भाई, देख लेते जरा, कोई है नहीं। देखिए ये देखिए यहाँ पे वही मकड़ी है जो मैं खा लेती है यार वहाँ पे, ये सेलर है, इसके अंदर देखो यार कोई है। भाई ये क्या है, ये क्यों है, मुझे अगर आपको पता है तो बताइए कि ये पेंटिंग्स का क्या मतलब है। तो ये रहा, यही वो जगह है, हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि सामने ही दिख ही जाता है, रख दो भाई। तो कुछ हो भाई, पीछे जा रहा है कुछ, तो पीछे जा रहा है। ओह देखो ग्रैनी, भाई ये ग्रैनी है क्या, कौन है, अभी इसको बांध के क्यों रखा हुआ है, और ये क्या अभी हमें खाएगी अभी उठ के। तो हम लोग ने यहाँ पे आके बेवकूफ़ी की है यार, अब इसके पास जाएंगे ना तो बराबर हमारा काम तमाम होगा, लेकिन नहीं, वैसे भी तो ये बंदी हुई है। और देखिए उसमें सेलर में मैंने देखा कुछ ऐसे ही था, शायद ऐसे ही था, और इसका क्या मतलब है अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताइए। और ग्रैनी के इतने बाल नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा बाल है, तो ये कौन है, और इसके कपड़ों से ये मुझे सेलिंड्रीना की तरह लग रही है, कि सेलिंड्रीना बुढ़ी हो गई। और देखिए इसके बाल बहुत ज़्यादा है, तो भाई ग्रैनी तो नहीं लग रही मुझे, क्या ग्रैनी है, मेरे ख्याल से ये इस क्या बोलते हैं यार प्रैक्टिस मोड में इन लोग ने ग्रैनी ऐसा तो नहीं रखा, यहाँ पे बांध के रखा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नीचे तो लिखा हुआ था कि भाई मैं वापस जल्दी आऊँगी। और देखिए जब हम लोग ये इसका अपग्रेड वर्जन जब खेलते हैं, हाँ अपग्रेड वर्जन जब हम लोग खेलते हैं, कुछ नहीं करती है यार ये, पता चला उड़ गई, आँख वाँख खोल ली और चलो फिर उसकी भी आँखें बटाटे जैसी हो गई। हाँ तो मैं क्या कर रही थी, अपडेट वर्जन जब हम खेलते इसका वर्जन पता नहीं मैं क्या बड़बड़ा रही हूँ इसका अपडेट वर्जन जब हम खेलते हैं तो उसमें भी ऐसे रहता है, यानी कि ये अलमारी मैंने देखी हुई है तो तब भी तो ऐसे ही होगा, यानी ग्रैनी बाहर घूमती होगी तो ये भी यहाँ पे होती है, तो दो दो ग्रैनी तो हो नहीं सकती, तो मुझे बताइए कि ये कौन है। तो आप लोगों को अगर पता है तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये कौन है। तो ये है उसका सीक्रेट, और जो आसपास के जो फ़ोटोज़ है उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए कि वो क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये काम कर दिया, और उसमें इसको ये करने से होता क्या है वो भी आप मुझे बता दीजिए कि ये करने से क्या होता है। तो ये तो चीज़ हो गई, अभी फिर से मैं उधर जाती हूँ, वहाँ पे और भी कोई चीज़ हो सकती है जो मैंने नहीं देखी हुई हो सकती है और मैं गलत जगह पे जा रही हूँ। ये बंद नहीं होता है भाई, ये लोग ने क्या क्या करके रखा हुआ है, अभी यही एक जगह पे रहेगी, ये जगह और वो जगह,
जो मैंने नहीं देखी। भाई कुछ अंदर नहीं है क्या भैया? हट चलो यार भाई, कुछ नहीं यहाँ पे, खामा का के हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं क्या यार? कोई हैमर वैमर भी तो दिला देते ना, उसमें क्या हो जाता। ओह अरे यार, लेकिन मैं ये सब मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मैं कार से जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ मेन डोर से, और मेन डोर के लिए जो हैमर वगैरह लगता है वो मुझे नहीं मिल रहा है। भाई ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? कोई और भी जगह शायद मैं याददाश्त से भूल रही होंगी, शायद मैंने नहीं देख रही हूँ। कोई और जगह हो सकती है जो मैं नहीं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं कोई चीज़ होगी जो मैं नहीं देख रही हूँ। भाई क्या परेशान मत करो या वाट। देखिए हैमर रखने का तरीका देखिए, इनका बहुत ही अच्छा तरीका है, जैसे कि सबको नज़र ही आ जाएगा। मुझे इससे पहले ये हैमर यहाँ पे कभी नहीं मिला। हाँ यार चलो भाई, तो इसका ये काम है। उसके बाद हमें चाहिए ये क्या यार, कटिंग प्लायर्स तो वहीं पे होगा, और मास्टर की तो हमारे पास है, यानी कि अभी मुझे चाहिए ब्लू की, मास्टर की तो मेरे पास है कटिंग प्लायर्स, यानी ये दोनों चीज़ें चाहिए जो कि मुझे ऊपर मिल जाएगी। ऊपर मुझे शायद कटिंग प्लायर्स ही मिल जाएगा, मुझे वैसे ही लग रहा है वहाँ पर चमक रहा था, थोड़ा सा बड़ी सी चीज़ थी वही, तो मुझे लग रही कि वो कटिंग प्लायर्स ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग बहुत बार क्या बोल रही हूँ मैं, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ी सी मैं चीज़ों को शायद भूल रही हूँ। भाई बैठ जाओ यार, यहाँ से हमें गिर के मरना नहीं है। पता नहीं प्रैक्टिस मोड में हमारे पास कितने दिन होते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो बता दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आने का कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि बिना कटिंग प्लायर्स के मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से मुझे पास वाले रूम में जाना चाहिए। ये तो मैं भूल ही गई कि कटिंग प्लायर्स की ज़रूरत होती है हमें यहाँ पर, और मैं ऐसे ही इसको लेकर जा रही हूँ। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके ये मतलब नहीं कि भाई की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई तो अब ऐसे सब कुछ भूल जाए, ऐसा कोई भूलता है क्या? दे दो हाँ यहाँ पे कुछ काम की चीज़ दे दो, कार की शिट। अभी फिर नीचे जाना पड़ेगा। भाई इन लोग ने रखा ही है क्या? आप ना पूरे ऐसे नहीं आसानी से काम कर लो, आप भागते रहो, बस भागते रहो और आपका दिमाग ख़राब करते रहो। ऐसे नहीं है कि भाई आपका जल्दी ख़त्म हो जाए। यहाँ से जाओ या वहाँ से जाओ, मेरे ख्याल से यहीं से चले जाते हैं। इन लोग ने इसमें ये क्या रखा हुआ है, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या भारी रखा हुआ है कि भाई आपका बहुत ही मुश्किल होगा काम, वो यानी कि डेंजर तो फिर भी होगा। वो क्या मतलब है, क्या डेंजर होगा भाई? तू अभी के भी बता मत देना है। देखो चलो भाई, मेलन मेलन खा लो, ऐसे भी बताओ क्यों मेलन खाता है, ऐसे ही बताओ, क्योंकि उसका तो वो कट ही करता है ना, तो खाता भी है, ऐसे भी बताओ ना। अभी है ही नहीं वो ग्रैनी, तो खा तो सकता है ना। चलो यार बस ऐसे ही रेंगना, रेंगते रहो बस, कीड़े की तरह रेंगने में इसको 50 घंटे लग जाते हैं, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है भाई। तो चल ना जल्दी जल्दी। मैंने सोचा था कि भाई वीडियो छोटा हो जाएगा, भाई ग्रैनी नहीं है तो अच्छी बात है। कॉमेंट्स में भी था कि भाई ग्रैनी नहीं होती तो मैं खुश हो गई थी, भाई ग्रैनी नहीं अच्छी बात है। रख दो, अब यहाँ पर शायद ब्लू की मिलेगी मुझे। क्या मिला भाई ये लेके मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं चाहिए। हट खाम खा के खुश हो रही है, मुझे कटिंग प्लायर्स बता दो यार कहाँ पे होगी। तो भाई मुझे उसकी अभी ज़रूरत है कटिंग प्लायर्स, उसके बाद भी वहाँ पे था क्या? मैं खाम खा पे मर रही हूँ। अरे भाई ऐसा मत करो यार, मैं सोच रही हूँ कि भाई क्या सोच रही हूँ मैं, मुझे चाहिए ब्लू की, और ब्लू की इतनी आसानी से कहाँ मिलती है? अगर मुझे वेपन की मिल जाती तो शायद मेरा काम हो जाता, वेपन की मिलनी चाहिए थे मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लू की मुझे वहाँ पे मिल जाए जब हम ये वेपन क्या यार स्क्रू ड्राइवर हासिल करते हैं, तो शायद हमें आसानी से मिल जाता है। क्या मिल जाता है आसानी से? क्या हमें ऊपर जाना पड़ेगा वहाँ पे? लेकिन वहाँ पे तो वो रहेगा ना उसे यार, उसको ना मुझे वो मीट वीट खिलाने का जो कोई तरीका इन लोग ने रखा हुआ है वो भी अभी मुझे डिस्कवर करना पड़ेगा। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, यहाँ पे जाना मुझे ज़रूरी है क्या? मुझे लगा सिर्फ गाड़ी अगर आपको चलानी है तो यहाँ पे जाना ज़रूरी। भाई इसे मीट लेके आऊँ अब यहाँ से? मेरे ख्याल से मुझे मीट ही लेके आना पड़ेगा, और उसको फिर खिलाएंगे कैसे, क्या उसके ऊपर उड़ाएंगे उसके मुंह में? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो भाई मीट दिया है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके मेरे कितना दिन है, इसके पास दिन कितने होते हैं वो मुझे पता नहीं। प्रैक्टिस मोड में भाई दिन भी कितने, प्रैक्टिस मोड हाँ इसमें दिन कितने होते वो भी तो बता दो ना यार। ओह
यार ऐसी बकवास चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही, शायद यहाँ पे कुछ करना है। मैं जल्दी मरने वाली हूँ, जल्दी से मरने वाली हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। ऐसे जाएंगे इससे वाकई वहीं पे जाना है। अभी देखिए यही नई चीज़ दिखाई दे रही है, मैं जल्दी मरूँगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे। ओ देखिए यहाँ पे ये रखी हुई प्लेट। ओहो ओ मम्मा क्या करना है, मैं मरूँगी, मैं मरने वाली, मैं जल्दी मरूँगी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। ये मरने, मैं मरूँगी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मुझे खाने वाला है, मैं मरने वाली हूँ, मैं मर गई। वो मुझे गारंटी लग रही थी मैं मर रही थी, पता नहीं मुझे फीलिंग ही आ रही थी कि मैं मरने वाली हूँ। ऐसा मत कर यार भाई, ये लगने मुझे मार डाल, ऐसा करती है क्या कोई? एक तो पहले से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, और लोग मेरा और दिमाग ख़राब कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? भाई अगर हम लोग मीट उसे खिलाते हैं फिर भी उसका कुछ होता नहीं है, तो फिर भाई अगर मीट उसे खिलाते हैं और वो फिर भी हमारे पीछे पड़ता है, तो मीट खिलाने का मतलब क्या? भाई आप लोग मुझे ये भी बता दीजिए कि मीट खिलाने का मतलब क्या। और मैं इसका कितना बड़ा, इसको मैं ये क्या बोल रही हूँ, मैं लेबल करूँ, कटिंग प्लायर्स और ब्लू की, बस ये दो चीज़ मुझे चाहिए जो कि मेरा दिमाग ख़राब करे। क्या मुझे वो वहाँ पर मिल जाएगी? मुझे नहीं लगता मुझे वहाँ पर मिल जाएगी। एक वेपन की मिल जाती तो कितना अच्छा होता। इन लोग भी ऐसे मुझे पकाने के लिए ऐसे बना के रखा है इन लोगों ने। मेरे ख्याल से मैं इसे पॉज कर देती हूँ, कहीं मिल जाए तो मैं वहीं से शुरू कर दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जब यहाँ पे आई, मैंने ये वेपन की, मैंने सोचा यहीं पे कुछ हो सकता है, एक यहीं में मैंने जगह ढूंढी, लेकिन मुझे लगा यहाँ पे और एक चीज़ होता है, ये डिब्बा मैंने नहीं देखा। और जब मैंने ये वेपन की बोल रही हूँ, कार की से जब मैंने ये जगह खोली तो मुझे ये वेपन की यहाँ पे मिल गई। अब हम लोग जाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इससे जब स्क्रू ड्राइवर हासिल करेंगे, तो हम जो सीढ़ियों के पास जो जगह होती है वहाँ से हमें ब्लू की मिल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि एक की रह गई है हमारे पास और मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ बराबर जा रही हूँ। तो ब्लू की तो वहाँ से मिल जाएगी, मुझे पूरी गारंटी वहीं पे ब्लू की होनी चाहिए। और हम लोग उस जो है ना, जिसने हमें पहुँचा दिया ना अभी, उसको भी हम लोग मार देंगे इसी से। भाई पहले मिल जाता तो मैं मीट वहाँ पे क्यों रखने जाती? लेकिन फ्रेंड्स मुझे बताइए हाँ भाई, कि वो मीट मैंने वहाँ पे रखा फिर भी उसने मुझे खाया, तो फिर मीट का क्या मतलब है? वहाँ पे हम लोग मीट देते तो फिर भाई मीट का तरीका ही गलत हुआ ना फिर। तो भाई हम लोग इसका जो हमेशा की तरह इसका काम करते हैं, और जाके उसे भी हम हाथों हाथ शूट कर देते हैं, वहीं पे भी देख लेते कि वहाँ पे क्या होता है, वो भी देख लेंगे जल्दी से। भाग यार तू यहाँ से, और उसको जल्दी से मार के वहाँ के वहीं देख लेते हैं बाद में, नहीं तो नीचे जाते रहना पड़ेगा मुझे। और भाई इसमें जुब्बेदारी नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेनी की जुब्बेदारी नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई तू तो मरेगा, बस ऐसे नहीं कि भाई तू खा के फूक जाता और अच्छे से सेहतमंद बन के यहाँ पे बैठता, तो तेरे को बहुत चर्बी चढ़ी हुई है तो तुझे तो बस मारना ही पड़ेगा। ये तरीका मैंने इस्तेमाल किया था पहले भी, मुझे ये भी कॉमेंट में ही तरीका बताया गया था कि भाई ज़रा ऊपर की तरफ मारो इससे, तो भाई क्योंकि फिर से तो मुझे लेके आना पड़ेगा। अब तो ऐसे ही मर यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ओ यारो हमें यहाँ पे मिलेगा ये ब्लू की, मुझे लोगों वहाँ पे मिलेगी मुझे ब्लू की, यारो यहाँ पे मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है, भाग जाओ यहाँ से भाई जल्दी से। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे मुझे ब्लू की मिलेगी, लेकिन मिल गई। और फिर मुझे चाहिए कटिंग प्लायर्स, भाई बिना कटिंग प्लायर्स का तो मेरा काम होने वाला है, तो वो मुझे कहाँ मिलेगा? भाई ये अभी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल इन लोग ने करके रखी है कि मैं नहीं अभी मुझे लग रहा है कि मुझे कटिंग प्लायर्स कहाँ मिलेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमेशा देखिए, ये हमेशा ही हमें की मिलती है जब हम इससे वो जगह खोलते हैं, तो वहाँ पे मुझे मिलेगी शायद सेफ की, क्योंकि अभी वही रह गई है सेफ की, और सेफ की में ही शायद, सेफ की में रहता है क्या, सेफ में यारा, तो सेफ में मिलेगा मुझे शायद कटिंग प्लायर्स, देख लेना। ये तो अभी क्योंकि एक यही की रहेगी और कोई की रही नहीं गई यहाँ पे, तो इसे भाई जल्दी से करो यारा, अब क्या 50 घंटे लगेंगे। देखिए अब तो मुझे पूरी गारंटी है यार, गारंटी के साथ तो भाग यहाँ पे अभी। हाँ भाई इसे तो यार, अगर मुझे वेपन की पहले ही मैं वहाँ पे वो देख लेती तो बहुत ही अच्छा होता, मुझे वहाँ पे एक जगह वहाँ पे मुझे मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो पूरी गारंटी है यार, ये देखिए मुझे वहाँ पे सिर्फ वो मिल जाए बहुत ही अच्छी बात होगी। क्या मिल जाए वहाँ पे, मैं जाऊँ क्यों? वही तो बात है यार, अभी मैं ऊपर की तरफ जाऊँ ही क्यों?
नहीं यार, यहाँ पे भी एक चीज़ होती है जो शायद हमें बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग पहले ये करते थे, तो इससे भी यहाँ से हम कर लेते हैं जल्दी से, भाई हमने कर दिया है, भाग जाओ यहाँ से। यार यार यार, और हमने ये कर दिया है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं वो वहाँ पे जो सिलेंडरी ना वाला, अगर मैं वहाँ पे वो गुड्डा भी डाल दूँ तो फिर क्या होता है। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे फेंक देती हूँ, हमें सिर्फ अब चाहिए, यार मैं क्या बड़बड़ा रही हूँ, हमें चाहिए नहीं, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है रेड की। और फ्रेंड्स अभी मैं लेके जा रही हूँ गुड्डा, देखते हाथों हाथ होता क्या, अभी है तो नहीं ये, थोड़ा सा लंबा और हो जाएगा हमारे ये वीडियो, तो अब तब हम लोग ये कर लेते हैं भाई, ये ले लो जल्दी से। और भाई वो भी कर लेते हैं भाई कि वहाँ पे आता कौन, यहाँ पे कोई आता भी है कि नहीं, वो भी मुझे ठीक से पता नहीं, क्या वहाँ पे वो आएगी क्या, कहते हैं कि अगर हम ये गुड्ढा उठा लेते हैं तो ग्रैनी की आंखें लाल हो जाती है, हमारे से पीछे से वो भागने लगती है। और अरे यार तो ऐसे ही मरेगा अभी, वैसे भी इसने बेवड़ीगिरी नहीं की थी, अभी लास्ट लास्ट में वो करने लगेगा, क्योंकि बोलेगा भाई मैं अपना जो खासियत है मेरी वो कैसे भूल रहा हूँ बेवड़ीगिरी करने के। तो ये हाथों हाथ कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे फेंक देते भाई, फेंकना वैसे भी आसान आता है क्या तेरे को, देखना वैसे मुझे नहीं है, फिर कोपचे में जाके फेंकूँ, मैं सामने से नहीं फेंक सकती। हाँ आई क्या, नहीं आती क्या सिलेंडरी ना, नहीं आती यार इसमें मुझे लगा सिलेंडरी ना नहीं आती, आ गई है लेकिन ग्रैनी नहीं है, भाग जाते पता चला इतनी जल्दी कहीं से ग्रैनी प्रकट होगी, क्योंकि हमने ये काम कर दिया, भाग जाओ यार यहाँ से। 26 मिनट का खामखा का इतना बड़ा लंबा वीडियो हो गया मेरा, वैसे मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो गई तो थोड़ा सी याददाश्त भी थोड़ी असर हो गया है लगता। तो फ्रेंड्स देखिए हम अभी यहाँ से जाओ, देख दी यार भाग जाओ भाग जाओ, भाग गया, अब क्या हो गया, क्या हो गया जल्दी। अरे यार देखिए सिलेंडरी ना अपने गुड्डे के साथ किधर गई, ग्रैनी को क्या हो गया, ग्रैनी को देखा, ओ हो हो, यू मैनेज स्केप फ्रॉम ग्रैनीज हाउस इफ़ यू फील रेयर ट्राई अगेन बट दिस टाइम मैन ग्रैनी इज होम। वो कह रहा है कि भाई तुम लोग ने बहुत ही अच्छा किया कि भाई भाग गए, लेकिन अब दूसरी ट्राई करो, लेकिन इस बार ग्रैनी अंदर हमको दिखाई ही देगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से निकलने से मुझे एक बात पता चली कि इसका एक अलग से एक हमें देखने को मिला कि ग्रैनी वहाँ पे घूम रही है अपना जुब्बा लेके, भाई ग्रैनी के दर्शन हो गए अच्छी बात है, बिना ग्रैनी के गेम कैसे हो सकता है, लास्ट में भी दिख गई हमें। और अगर शायद मैं उसको वहाँ पे गुड्डा नहीं फेंकती तो शायद सिलेंडर ना वहाँ नहीं होती और वो अकेली वहाँ पे घूमती रहती, उतना भी कर लिया तो अच्छी बात है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स मिल रहे थे, मेरी यहाँ पे बीच में तबीयत ख़राब हो गई है इसलिए फिर भी मैंने कोशिश की है, और मेरे ख्याल से आपको इसमें भी अगर आपको मज़ा ज़रूर आएगा, अगर आया होगा आपको मज़ा तो ज़रूर इसमें लाइक और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बात है, मुझे ज़रूर बता दीजिए। मैं बोल रही थी कि मुझे बता दीजिए कि वो जो ग्रैनी है यानी जिसको हमने बंधा हुआ देखा था वो कौन है, वहाँ पे जो फ़ोटोज़ लगे हुए वो क्या है, क्योंकि वो थोड़े अलग लग रहे थे मुझे, वहाँ पे भी एक सेलर था वो क्या है वो बताइए, और मुझे ये बताइए स्पाइडर को अगर हम लोग मीट खिलाते फिर भी वो हमें मारता है तो मीट वहाँ पे क्यों रखा हुआ है, उसका क्या तरीका है भाई, वो भी मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि इसका जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अगर और ऐसे ही गेम प्ले के लिए और दूसरे जो वीडियोज़ है हमारे फनी उनके लिए आप हमारे चैनल AWKHELO47 का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बाद जो घंटी के नीचे होता है उसे जरूर दबाइए नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।